वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम डॉग चक का थर्ड पार्ट क्रिएट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने जॉ क्रिएट किया था, उसका सेकंड पार्ट। अब उस जॉ के साथ जो स्क्रू कनेक्ट होने वाला है, वो स्क्रू आज हम क्रिएट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें सारे फीचर टूल्स यूज किए गए हैं। स्विफ्ट कट है, फिर एक्सट्रूड कट है, रिवॉल्व कट है। ये सारे टूल्स हम एक एक करके इसमें यूज करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए आप, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन क्रिएट करेंगे। फ्रंट प्लेन हम सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। इसकी लेंथ रहेगी 220 mm। फिर लाइन टूल यूज करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब इसके डायमेंशन हम अप्लाई करेंगे। इस लाइन से इस सेंटर लाइन का फुल डायमीटर हम 37, इसका डायमीटर 37 रखेंगे। सिंपली हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और होल कंट्रोल की, फिर इस लाइन को सिलेक्ट करना है। मेक रिलेशन, कोलिनियर। फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करना है, होल कंट्रोल की, मेक रिलेशन कोलिनियर। ओके, अब इसके डायमेंशन हम इस ग्रूव जो ग्रूव के डायमेंशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसका फुल डायमीटर 21 mm और इसका डायमीटर है 31 mm। इसकी लेंथ रहेगी 76 8.5 mm। सेंटर लाइन 8 mm। अब इस लाइन को और इस लाइन को सिलेक्ट करना है हमें। इन दोनों लाइन को सिलेक्ट करना है और मेक रिलेशन इक्वल कर देना है। तो देखिए, हमारा स्केच फुली डिफाइन हो गया। अब सिंपली हमें फीचर में जाना है और रिवॉल्व बॉस बेस एक्टिवेट करना है। फिर से फ्रंट प्लेन स्केच, यहां पे एक सेंटर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर रेक्टेंगल यहां पे हमें एक्टिवेट करना है। फिर से कॉर्नर रेक्टेंगल, इस तरह से हमें इन चारों एज पे जो फेस है, एंड फेस, इन्हें इन पर एक कॉर्नर रेक्टेंगल क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम डायमेंशन इसके अप्लाई करेंगे। इस लाइन से
इस लाइन की लेंथ रहेगी 5 mm. हाइट है इसकी. और यहां से इसका डायमीटर है 32 फुल राउंड. और इसकी लेंथ हम ले लेते हैं 8 mm. इसी तरह इसकी इस लाइन से इसकी लंबाई या लेंथ 5 mm. फिर यहां से इसकी लेंथ भी 5 mm. एंड 5 mm. और ओके करना है. अब हमें इस बॉटम लाइन को होल कंट्रोल की मदद से सिलेक्ट कर देना है चारों लाइनों को और मेक रिलेशन कोलिनियर कर देना है. ऊपर वाली लाइन को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मेक रिलेशन कोलिनियर. अब ये बाकी जो फुली डिफाइन नहीं है तो इसको सिंपली यहां से फुली डिफाइन कैलकुलेट करके ओके कर देना है. और सिंपली फीचर में जाके यहाँ पे देखिए रिवॉल्व कट अप्लाई करना है और ओके करना है. फेस को सिलेक्ट करना है स्केच और यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे. इसकी साइज रहेगी 15 mm. फीचर में जाना है, एक्सट्रूड कट अप्लाई करेंगे अप टू 20 mm. चैम्फर अप्लाई करेंगे हम ₹1.5 mm. इस आउटर एज को सिलेक्ट करना है हमें और ओके करना है. फिर से हमें चैम्फर एक्टिवेट करना है. चैम्फर यूज करने के लिए यहां पे हम इसकी साइड रखेंगे 2.5 mm. अब ये वाली इस एज पे हमें अप्लाई करनी है. और ओके करना है. ये दो एज है, इन्हें भी हम सिलेक्ट कर लेंगे. चैम्फर वंस अगेन और यहां पे हम इसकी साइज रखेंगे 0.5. इसमें इस फेस को सिलेक्ट करेंगे और इन एजेस को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे. अब यहां पे होल विजार्ड में जाना है हमें. होल विजार्ड में जाने के बाद काउंटर सिंक यहां पे
देखिए ये काउंटर सिंक सिलेक्ट करना है अनसीमेट्रिक, सॉकेट काउंटर सिंक हेड इसे सिलेक्ट करना है 3 mm नॉर्मल, ब्लाइंड कंडीशन 6 mm और पोजीशन इस फेस पे हमें इसको अप्लाई करना है और ओके कर देना है। सिलेक्ट दिस फेस स्केच, कन्वर्ट एंटिटी, फीचर में जाना है और यहां पे हेलिक्स एंड स्पाइरल, यहां पे हम थ्रेड क्रिएट करेंगे। थ्रेड क्रिएट करने के लिए यहां पे सबसे पहले देखिए डिफाइन बाय पिच रेवोल्यूशन इसे सिलेक्ट करना है, कांस्टेंट पिच इसकी पिच रहेगी 5.08 mm। रिवॉल्यूशन 43, स्टार्ट एंगल 0 degree एंड क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज इसे सिलेक्ट करना है और ओके कर देना है। टॉप प्लेन स्केच, कॉर्नर रेक्टेंगल हम यहां पे क्रिएट करेंगे, इसके डायमेंशन अप्लाई करेंगे हम, इसकी हाइट रहेगी 3 mm, विड्थ रहेगी 2.54, यहाँ पे एक सेंटर लाइन क्रिएट करनी है, ये कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए हमने क्रिएट की है। इसकी साइज हम 2.5 रखेंगे हाइट, अब इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है होल कंट्रोल की और इस लाइन इस जो हेलिक्स है हमने क्रिएट किया है उसे सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन पियर्स। इसका डायमेंशन हमें ऊपर की लाइन से इस सेंटर पॉइंट पे अप्लाई करना है 2.5। इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और इस लाइन को सिलेक्ट करना है, मेक रिलेशन पियर्स। अब इसे एग्जिट कर देना है और फीचर में जाना है, स्विफ्ट कट अप्लाई करना है। स्विफ्ट कट में देखिए ये प्रोफाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है और यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करना है हमें, तो इस हेलिक्स को हम सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देना है। देखिए इस तरह से ये थ्रेड हमारे क्रिएट हो गए हैं।
फ्रंट प्लेन, स्केच, यहां पे एक ट्रायंगल हम क्रिएट करेंगे। इसके डायमेंशन हम अप्लाई कर देते हैं, इसकी लेंथ रहेगी 2.5 mm। एक सेंट्रल लाइन यहां पे क्रिएट करेंगे। और इस लाइन से इसकी हाइट रहेगी 5 mm। और इस लाइन से ये पॉइंट, इस पॉइंट की लेंथ रहेगी 11 mm। की लेंथ बढ़ा देते हैं हम 3 mm कर देते हैं। और सिंपली हमें फीचर में जाना है और रिवॉल्व कट अप्लाई करना है और ओके कर देना है। तो देखिए इस तरह से ये रिवॉल्व कट अप्लाई हो गया है। अब हम इसमें अपीयरेंस अप्लाई करेंगे। तो अपीयरेंस में जाना है हमें। अपीयरेंस में जाने के बाद यहां पे देखिए मेटल, मेटल में जाना है। मेटल में जाने के बाद स्टील में जाना है। स्टील में जाने के बाद यहां पे देखिए नीचे कार्बन स्टील, इसे सिलेक्ट करना है। थर्ड पार्ट क्रिएट हो गया, इसे हम सेव कर देते हैं। हमारे सारे डेस्कटॉप पे हमने सेव किए हुए हैं। इसका स्पार्ट का नाम रहेगा जॉ स्क्रू और सेव कर देना है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।